एम मेघा दुडा. आज हम 8th और 9th अप्रैल के करंट अफेयर्स को करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो है हमारे पास चक्रवर्ती टू गेट जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च के लिए जीडी बिरला पुरस्कार पाने के लिए चक्रवर्ती जी का नाम सिलेक्ट किया गया है. चक्रवर्ती जी ये कौन है? ये है हमारे प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 30th. इस बार का कौन सा एडिशन था? 30th जीडी बिरला अवार्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च के लिए फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने इंजीनियरिंग साइंस के अंदर दिया है एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर. द के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जो कब बनाई गई थी 1991 के अंदर. अवार्ड जो रिकॉग्नाइज है वो करता है एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट को बिलो द एज ऑफ 50 ईयर्स फॉर देयर ओरिजिनल एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने दिया होता है. साथ ही साथ इनको यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख का. एंड द जो रिसिपिएंट है इज चूजन बाय अ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाता है. अ फैकल्टी मेंबर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है इनके पास इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो इन्होंने कहाँ से ली थी? जादवपुर यूनिवर्सिटी 1996 के अंदर. ही वेंट ऑन अ मास्टर्स डिग्री एंड अ PhD फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. ही हैज ऑल्सो बीन एन अलेक्जेंडर वन हम्बल्ट फेलो इंडो US रिसर्च फेलो एंड विजिटिंग प्रोफेसर एट वेरियस लीडिंग इंस्टीट्यूशंस पे ये जा चुके हैं. चक्रवर्ती जी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द JC बोस नेशनल फेलोशिप अवार्ड भी दिया जा चुका है इनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. अब ये क्या इनको दिया गया? जीडी बिरला का हमारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो इनको दिया गया है जो इस बार का 30th एडिशन था. ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं. जीडी हो रही थी जिसमें उसे चक्कर आ गए सुमन को. देखो जीडी से क्या बनाया मैंने, ग्रुप डिस्कशन बनाया. देखो ग्रुप डिस्कशन हो रहा था जिसमें उसको चक्कर आ गए किसको? सुमन को. तो सुमन और चक्कर से क्या बनेगा? सुमन चक्रवर्ती जी का नाम बनेगा और जीडी से बनेगा जीडी बिरला अवार्ड दिया गया इनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए. ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पोषण पखवाड़ा बींग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 16 to 31st March. पोषण अखवाड़ा 16 से 31 मार्च तक मनाया गया. ये हमारा वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था 16 से लेकर 31 मार्च के बीच में. ठीक है, ये पोषण अभियान के अंदर तहत इसको शुरू किया गया था. सबसे पहली बात, वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री ने अगर इसको ऑर्गेनाइज करवाया तो हमारी इसकी मिनिस्टर कौन है? इसकी जो हमारी मिनिस्टर है उनका नाम है स्मृति ईरानी जी और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अमेठी UP. ठीक है, अब इस पोषण पखवाड़ा के बारे में देखते हैं. इनका मेन ऑब्जेक्टिव था एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल चैलेंजेस थ्रू फूड फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनाइजिंग पोषण पंचायत. पोषण पंचायत विल बी ऑर्गेनाइज इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ PRI फॉर द जनरेटिंग अवेयरनेस ऑन टॉपिक लाइक माल न्यूट्रिशन प्रेवलेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, पोषण वाटिका, फूड फॉरेस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ SAM और MAM चिल्ड्रन एंड इट्स मैनेजमेंट. इसका मेन जो पर्पज था, जो पोषण अभियान शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2018 के अंदर, मार्च 2018 के अंदर, उसको उसी के तहत इन्होंने पोषण पखवाड़ा नाम का एक कैंपेन शुरू किया था जो 16 से लेकर 31 मार्च तक चलाया गया था. एक अवेयरनेस कैंपेन था ये, ताकि लोगों को इंश्योर कर सके, वाइडर पीपल को इसके अंदर पार्टिसिपेट ले सके और जो हमारी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं उनको उसके लिए कोई सोल्यूशन निकल सके. ठीक है, चलिए अब इसके ट्रिक देखते हैं. 31 जनों को पोषण या 31 जनों का पालन पोषण कर सकती है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. यानी कि 16 से 31 मार्च तक के बीच में पोषण पखवाड़ा नाम का एक कैंपेन या अवेयरनेस कैंपेन हमारी WCD डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, WCD दैट इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया. अच्छा, स्मृति ईरानी जी जो हमारी इसकी मिनिस्टर हैं, ये साथ ही साथ हमारी कौन सी मिनिस्टर और हैं? इनके पास जो एक डिपार्टमेंट और है वो है हमारा कपड़ा विभाग, जिनका कपड़ा विभाग मंत्री भी है, यानी कि ये हमारी टेक्सटाइल्स मिनिस्टर हैं. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं. वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है नीलिमा रानी माय मदर माय हीरो. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नीलिमा रानी माय मदर माय हीरो शीर्षक के पुस्तक जारी की है. और ये पुस्तक है किसके बारे में और किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहली बात, वेंकैया नायडू जी ने इस बुक को राजभवन ओडिशा के अंदर, ओडिशा के कैपिटल यानी कि भुवनेश्वर के अंदर इसको रिलीज किया है. ठीक है, अब ये रिटर्न किसके द्वारा की गई है? ये किए गए डॉक्टर अच्युत समंत के द्वारा रिटर्न की गई है जो कौन है? नीलिमा रानी जी के बेटे हैं. ठीक है, इस बुक में उन्होंने अपनी मदर की स्ट्रगल बताई है एंड हाउ शी रेज हर 7 children डिस्पाइट पॉवर्टी, और किस तरह से उन्होंने अपने 7 बच्चों की परवरिश की है गरीबी के अंदर भी.
ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित किया, एजुकेट हर चिल्ड्रन एंड केप्ट वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड डाउनट्रोडन, और फिर भी उन्होंने लोगों के काम के लिए, सोसाइटी के लिए काम किया। इसके अंदर उन्होंने अपनी मदर के बारे में सब कुछ लिखा है जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया आज तक, और किस तरह से जो उनका विलेज है कलरवंगा जो उनके नाम पर रखा गया है, एक स्मार्ट विलेज भी बना है कंट्री का। इस पूरी बुक के अंदर आपको वो सब उनके बारे में पता लगेगा, वो बताया गया। अच्छा, यहाँ पे एक नाम और आ रहा है, गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा के गवर्नर कौन है? हमारे गणेशी लाल। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो मैं समंत अच्युता जी की बात कर रही हूँ, ये है कौन? ये एक्चुअली हमारे लोकसभा के मेंबर भी हैं, वर अमंग दोज हु वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इवेंट, जिस टाइम पे वेंकैया नायडू जी ने इस बुक को रिलीज किया था। अब ओडिशा के अगर हमें राज्यपाल की बात कर रही हूँ गणेशी लाल, तो यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक जी, क्या है उनका नेम है? अब इसकी ट्रिक बताती हूँ, ना नीला कलर माता को नहीं पसंद, पर उसके बेटे जो उसका हीरो है अच्युत, उसको पसंद है। यानी कि ना से वेंकैया नायडू जी ने एक पुस्तक को रिलीज किया जिसका नाम है नीला कलर, यानी कि नीली मरानी। ठीक है, जो उनके बेटे के द्वारा लिखी गई है, माय हीरो, माय मदर और माय हीरो, जो उनके बेटे अच्युत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे नाम आपके सामने आ गए, जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने रिलीज की है, बुक का नाम क्या है पूरा, वो भी आपके पास आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, चिंतन वैष्णव अपॉइंटेड एज न्यू मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन के लिए। चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट चिंतन वैष्णव को नया मिशन डायरेक्टर बनाया गया है हमारा अटल इनोवेशन मिशन का, इन मिड अप्रैल के अंदर, जो नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके जो हमारे सीईओ कौन है, इसके हमारे चेयरमैन कौन है, इसके हमारे वाइस चेयरमैन कौन है, मैं बहुत बार आपको नाम बता चुकी हूँ। इसके जो हमारे चेयरमैन है वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इसके जो हमारे वाइस चेयरमैन है उनका नाम है राजीव कुमार, और जो इसके हमारे सीईओ है उनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया रामतन रामानन को, इन्होंने रिप्लेस किया है, जो सेकंड मिशन डायरेक्टर थे हमारे अटल इनोवेशन मिशन के। एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन चिंतन वैष्णव विल बी मूविंग फ्रॉम हिज करंट रिसर्चर एंड टीचर MIT टू हेड द इनिशिएटिव। उन्होंने अपनी जो लास्ट पोस्ट थी, करंट पोस्ट थी, उसको छोड़कर अब इन्होंने क्या कर रहे हैं, मिशन डायरेक्टर बन गए। किसके? हमारे अटल इनोवेशन मिशन के बन गए हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं, चिंता ना कर अटल रहे, कुछ तो इनोवेटिव होगा ही। यानी कि अटल इनोवेटिव, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो हमारा नीति आयोग के द्वारा सेट किया गया है, नीति आयोग के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, जिसके हमारे मिशन डायरेक्टर नए कौन बने हैं, चिंता मत कर, यानी कि चिंतन वैष्णव जी बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, अल्फ्रेड अहो विंस द 2020 ACM ट्यूरिंग अवार्ड। अल्फ्रेड अहो ने 2020 का ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। लियोनेंस के गसमैन प्रोफेसर हैं ये, जिन्का नाम है अल्फ्रेड वी अहो। इन्होंने 2020 का एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, दैट इज ACM का ट्यूरिंग अवार्ड जीता है, जिसको नोबल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अहो शेयर्स द अवार्ड विद हिज लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर, के साथ इन्होंने अपना ये अवार्ड शेयर किया है। ये दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया था बेल लैब्स के अंदर 1967 के अंदर, एंड देयर अर्ली एफर्ट included developing efficient algorithm for analyzing and translating program languages. Even the Olam began a career in academia in 1969 और while Aho जो है Bell Labs पे काम करते रहते continue. Turing Award होता क्या है? Turing Award 1 million का इसके अंदर prize दिया जाता है, with financial support provide की जाती है Google के द्वारा। It is named for the LLM Turing के नाम पर ये रखा गया था, अवार्ड देना शुरू किया था, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिकल फाउंडेशंस की थी और लिमिट्स ऑफ कंप्यूटिंग इसको फाइंड किया था, जिसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अल्फ्रेड अहो को 2020 का इस बार का दिया गया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, अहो सुनो और नहीं टूट सकती मैं। आहो सुनो मतलब कोई अपने हस्बैंड को बुला रही है, आहो सुनो मैं और नहीं टूट सकती। आहो से बनेगा हमारे पास अहो अल्फ्रेड का नाम, और टूर यानी कि ट्यूरिंग अवार्ड इनको 2020 का दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, शब्बीर खंडवाला अपॉइंटेड न्यू BCCI ACU चीफ बने हैं ये हमारे।
शबीर खंडवाला जो है हमारे बीसीसीआई एसीयू के नए प्रमुख बने। पहली बात, एसीयू क्या है? एंटी करप्शन यूनिट के हमारे नए चीफ बने हैं, जिनका नाम है शबीर हुसैन शेखदम खंडवाला। ये पहले हमारे क्या रह चुके हैं, गुजरात के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं पुलिस के, यानी कि डीजीपी रह चुके हैं इससे पहले। ये 70 ईयर ओल्ड हैं, ये 1973 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ओवर फ्रॉम अजीत सिंह हु टेन्योर, जिनका टेन्योर खत्म हो गया 31 मार्च को, पहले मतलब बीसीसीआई के जो हमारे एंटी करप्शन यूनिट के चीफ थे उनका नाम था अजीत सिंह, उनकी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने खंडवाला ने इस ग्रुप को संभाला है। अब बीसीसीआई के जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जय शाह, बीसीसीआई का जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम है सौरभ गांगुली जी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो थी दिसंबर 1928 के अंदर इसकी फाउंडिंग हुई थी बीसीसीआई के, बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसके ट्रिक चाहिए तो बता देती हूँ। सबर कर, क्रिकेट में अच्छा करेगा तू भी बट करप्शन से दूर रहना। सबर कर, क्रिकेट में तू भी अच्छा करेगा बट करप्शन से दूर रहना, यानी कि शबीर खंडवाला जी करप्शन यूनिट के हमारे चीफ बने हैं क्रिकेट के, यानी कि बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोसोवो के 38 ईयर ओल्ड के हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं। कोसोवो जो हमारी ये कंट्री है, ये हमारी साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक छोटा सा पार्ट है कंट्री का, जिसकी हमारी जो कैपिटल है, मैं कैपिटल और करेंसी यहाँ लिख देती हूँ पहले, जिसकी कैपिटल क्या है, प्रिस्टीन, और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, इसके जो हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं वो 38 इयर्स के हैं, जिनका नाम है वसोवा उस्मानी सदरियो। ये क्या बने हैं हमारे, इसके यंगेस्ट 38 ईयर ओल्ड के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नीचे आपके पास यहाँ पे डिटेल गिवन है, पढ़ना चाहो तो देख सकते हो, बस सिर्फ इनका नाम इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा, या इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, हाशिम थक्की को रिप्लेस किया है, हु रिजाइन आफ्टर फेसिंग चार्जेस, जिन पे लगे थे चार्ज लगे थे वॉर क्राइम के और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एट अ स्पेशल कोर्ट बेस्ड इन द हेग के अंदर, जिसके कारण से उन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद से जो इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं वसोसा उस्मानी सदरू बने हैं। ठीक है, अब इसके ट्रिक, सैड क्यों है मनी, सैड क्यों है मनी, क्यों कोस रहा है टीना को, या लिख देती हूं, सैड क्यों है मनी, क्यों कोस रहा है टीना को, क्यों कोस रहा है टीना को। देखो, सैड, सैड से क्या बनेगा, सदरू का नाम, मनी, मनी से क्या बनेगा, उस्मानी, कोस से कोसोवो, और टीना से प्रेस्टीन, जो इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जस्टिस एन वी रामन टू एज्यूम चार्ज एट नेक्स्ट सीजीआई, यानी कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं वो बने हैं एन वी रामन बने हैं, मोस्ट सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिनका पूरा नाम है नथुलापति वेंकटा रमना, जो क्या बने हैं हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं भारत के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, शरद अरविंद बोबड़े जी को रिप्लेस करेंगे, और ये हमारे 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं। ही वुड एज्यूम चार्ज द ऑफिस फ्रॉम द 24 अप्रैल 2021 से संभालेंगे और 26 अगस्त 2022 तक ये रहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी कब बनाई गई थी, 26 जनवरी 1950 को ही बनाई गई थी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, यहाँ पे राम राम जपो, नए सीजीआई आए, यानी कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे भारत के बने हैं, राम राम जपो अब नए बन गए हैं, यानी कि एनवी रामनन क्या बने हैं, हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, कैबिनेट ने अपॉइंट किया है तरुण बजाज को अपना न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी। कैबिनेट ने राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति की है, यहाँ पे आपको उनकी इमेज भी दिख रही होगी, शो हो रही होगी पिक के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरुण बजाज को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी बनाया है। ये हमारे 1988 के बैच हरियाणा के आईएएस ऑफिसर हैं, जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 30 अप्रैल 2020 तक। कैबिनेट ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ अजय सेठ एनआई, जो हमारे 1987 बैच कर्नाटका के आईएएस ऑफिसर है, वो हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं इन प्लेस ऑफ बजाज। तरुण बजाज जी ने जब इकोनॉमिक अफेयर्स की पोस्ट छोड़ के रिवेन्यू सेक्रेटरी बन रहे तो हमारे रिवेन्यू जो इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं वो बन गए हैं अजय, इकोनॉमिक के, और रिवेन्यू के कौन बन गए, तरुण बजाज जी बन गए हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तरुण ने रिवेन्यू ले लिया सारा अपना, यानी कि तरुण ने पूरा जितना भी इसका रिवेन्यू बनता था ना, सब कुछ ले लिया, यानी कि तरुण बजाज जी क्या बने हैं, रिवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं हमारे। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, जेफ बेजो लगातार चौथे वर्ष फोर्ब की वार्षिक अरबपति सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि फोर्थ टाइम लगातार वो इसमें टॉप पर है। अमेजन के जो हमारे फाउंडर हैं ये टॉप पर रहे हैं, एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर की जो लिस्ट निकलती है हर साल, इसमें चौथे साल लगातार ये फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं। जो इंडिया के रिचेस्ट बिलियनियर है यानी कि मुकेश अंबानी जी, इस पे 10th पोजीशन पर है विद अ टोटल नेटवर्थ ऑफ $84.5 बिलियन। ठीक है, ये जो लिस्ट निकाली गई है इस बार का 35th एडिशन था, ये 6 अप्रैल 2021 को लिस्ट निकली गई है। जो लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द वेल्थ यूजिंग स्टॉक प्राइसेस एक्सचेंज के रेट पर 5 मार्च तक के डाटा के बेसिस पे इसको बनाया गया है। देखो आपको यहाँ पिक में शो होगा, फर्स्ट नंबर पे है जेफ, सेकंड पे हमारे एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये 6th नंबर पे आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो हमारी 10th पोजीशन पर, एक्चुअली ये 10th पोजीशन पर है इस बार। ठीक है, हमें सिर्फ फर्स्ट और यहाँ हमारे इंडिया का नाम याद रखना है। फर्स्ट पे है जेफ बेजोस जो हमारे अमेजन के फाउंडर हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के यानी कि मुकेश अंबानी जी किस पे हैं, 10th पर हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया कंप्लीट आर्क ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क पूरा करता है। द कंस्ट्रक्शन जो है इसकी ब्रिज की वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की, जिसकी थी 359 मीटर्स की, अबव द बेड ऑफ द चेनाब रिवर इन जम्मू कश्मीर के अंदर वॉज कम्प्लीटेड। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग गेज ब्रिज है टू बूस्ट कनेक्टिविटी टू द कश्मीर वैली, एंड इट इज बींग कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1486 करोड़ के अंदर ये बनी है, एज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बरमाला रेलवे लिंक के तहत प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसके फीचर्स क्या है, ये चेनाब ब्रिज पर बना है, ये 2002 के अंदर शुरू किया गया था प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जो इंडियन रेलवे है इस कंस्ट्रक्टिंग द आयोनिक आर्क ब्रिज, ये रिवर चेनाब पे बना है एज अ पार्ट ऑफ किसके तहत, उधमपुर श्रीनगर बरमाला बरमुला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत। ये कश्मीर वैली को दूसरे रेस्ट ऑफ नेशन के साथ जोड़ेगा। इसकी जो ब्रिज की लंबाई है वो है 1315 मीटर लॉन्ग है ये। इसका जो हमारा जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का, ये 359 मीटर अब है अपने लेवल से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका डिग्री टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ब्रिज का जो हाई विड्थ वो गिवन है स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में बना है। यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। जम्मू कश्मीर के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ हमारे पास नेशनल पार्क्स भी हैं, जिसमें से मैं आपको फेमस 2-3 बता देती हूँ। हैमिस नेशनल पार्क, डचिकम नेशनल पार्क, किश्वर नेशनल पार्क, यहाँ पे मैंने आपको 3 से 3 नाम बता दिए हैं। इसके अलावा 1-2 और हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फेमस है हेमिस, डचिकम, किश्वर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, कार्ल बिल्ट ने ACT तवरक के लिए WHO को विशेष दूत नियुक्त किया है। कार्ल बिल्ट अपॉइंटेड द WHO स्पेशल एनवे बने हैं हमारे ACT एक्सेलरेटर के। पहली बात, टेड्रोस अधनम गेब्रेस ये कौन है? ये हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने कार्ल बिल्ट को WHO का स्पेशल एनवाय बनाया है फॉर द एसेस ऑफ COVID-19 टूल एक्सेलरेटर के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिटेल गिवन है पूरा कि कोलैबोरेशन हुआ है, किसके साथ हुआ है, कोविड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ ये देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, वैक्सीन देखेंगे। तो यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनका नाम इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, कार से दूत उनका WHO में आया, कार से दूत उनका WHO में आया, यानी कि WHO के नए जो हमारे दूत बने हैं, यानी कि स्पेशल एनवे बने हैं किस कहाँ के लिए, कोविड एक्सेलरेटर के लिए, जिनका नाम है कार्ल बिल्ट। WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रकाश जावेदकर मेट US स्पेशल क्लाइमेट एनवे जॉन कैरी टू डिस्कस ऑन क्लाइमेट चेंज इशू। प्रकाश जावेदकर जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी विशेष जलवायु दूत जॉन कैरी से इन्होंने मुलाकात की है। ये प्रकाश जावेदकर जी कौन है? हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मंत्री है, साथ ही साथ हमारे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल IT मिनिस्टर भी हैं ये। इन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन का नाम भी आ गया। इन्होंने वहाँ के जो दूत हैं जिनका नाम है जॉन कैरी, उनके साथ क्लाइमेट अफेयर्स के लिए एक मीटिंग की है। दोनों ने मिलकर वेरियस मैटर पर डिस्कशन किया है, जो क्लाइमेट फाइनेंस, ज्वाइंट रिसर्च एंड कॉपरेशन पे। जावेदकर रिप्रेजेंटेटेड द 8 मेंबर इंडियन पार्टी इन द मीटिंग, एंड जावेदकर ट्वीटेड देयर वॉज ए फ्रूटफुल डायलॉग विद जॉन कैरी। उन्होंने बोला बहुत अच्छे से हमारी ये बातें हुई हैं, हमने बहुत सारे मैटर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इंक्लूडिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ज्वाइंट रिसर्च और कॉपरेशन पे। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट है नेक्स्ट है हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर संजय धोत्रे एड्रेसेस एट कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ E9 कंट्रीज। पहली बात, E9 क्या है? दैट इज एजुकेशन 9, और ये 9 कंट्रीज का ग्रुप है। मैं यहाँ पे आपको नाम बता देती हूँ 9 कंट्रीज का, जिसमें पहला नाम आता है बांग्लादेश का, दूसरा नाम आता है हमारे पास यहाँ पे ब्राजील का, तीसरा नाम यहाँ पे आता है हमारे पास भारत का, इंडिया का, फोर्थ नाम यहाँ पे हमारे पास आता है इंडोनेशिया का, फिफ्थ नाम है हमारे पास यहाँ पे कंट्री का पाकिस्तान का, सिक्स्थ है हमारे पास चाइना, सेवन्थ है हमारे पास इजिप्ट, एट्थ है हमारे पास यहाँ पे मेक्सिको, और नाइन्थ नाम लास्ट हमारे पास है नाइजीरिया। ये इन 9 कंट्रीज का ग्रुप है। जो इस बार की मीटिंग है, संजय धोत्रे जी ने, जो हमारे एजुकेशन के स्टेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस मीटिंग को एड्रेस किया है। ठीक है, ये मीटिंग कब हुई थी? 6 अप्रैल 2021 में हुई थी, 6 अप्रैल 2021 को हुई थी। यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर जो बांग्लादेश के हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन के हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे E9 कंट्रीज के, और ऑफिशियल जो है यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सब ने किया। साथ ही साथ ये 9 कंट्रीज के जो हमारे मेंबर्स होंगे, जो इसको डेलीगेट करेंगे, उन्होंने इस मीटिंग को किया है। इसमें उन्होंने क्या किया है, इन्होंने COVID-19 पेंडेमिक्स किस तरह से एजुकेशन को हैम्पर कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, इस पे फोकस किया है, किस तरह से हम एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं। To such a large number of students in India was indeed a challenge. इस पे यहाँ पे किस तरह से हर एक मोड से हम जो बच्चों को है शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटल, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी अलग अलग इन्होंने पोर्टल शुरू किए हैं उसके तहत। He also stated that this pandemic में जो Ministry of Education है successfully इन्होंने conduct किया entrance exam, जितने भी engineering के हुए हैं, जितने भी हमारे medical courses के exam हैं, इन्होंने वो भी conduct करवाए हैं। साथ ही साथ जो मोदी जी का सपना था, विजन ऑफ नरेंद्र मोदी जी, उसको भी इन्होंने पूरा किया है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट इज दीक्षा, जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था, वन नेशन वन चैनल प्रोग्राम ऑफ स्वयं प्रभा, स्वयं मोक्स, ये भी इनके द्वारा शुरू किए गए थे। साथ ही साथ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है टू टेक एजुकेशन टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाती, वहाँ पे इनको रेडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसका जो मेन एजेंडा था, इसके इन्होंने 4 मेन एजेंडा रखे थे, जिसके अंदर पहला था जो इनकी प्रायोरिटीज थी उसको सेट किया गया, टीचर्स को सपोर्ट किया गया, इन्वेस्टमेंट जो है स्किल्स के अंदर की गई, और नैरोइंग किया गया डिजिटल डिवाइड, यानी कि डिजिटल माध्यम के थ्रू शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया, प्रमोट किया गया, या उसको किया गया कि आपको सारा काम डिजिटली करना है। तो इन्होंने, संजय धोत्रे जी ने इस मीटिंग को एड्रेस किया भारत की तरफ से, E9 कंट्रीज की जो मीटिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा लास्ट पॉइंट, एस रमनन हैज बीन मेड द न्यू चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। एस रमनन जो है सिडबी के हमारे नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में चुने गए हैं। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके हमारे नए जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं एस रमनन। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हमारे मोहम्मद मुस्तफा जी, इससे पहले जो थे वो थे हमारे मोहम्मद मुस्तफा जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट दिस अपॉइंटमेंट विल बी फॉर द 3 years। और अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए? इनके 3 years के लिए। दिसंबर के अंदर बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा इनका नाम डिसाइड किया गया था, पर ये अब कब बनाए गए हैं? अभी अप्रैल के अंदर इन्होंने इस पोस्ट को संभाला है। रमनन फिलहाल क्या है? रमनन पहले थे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के। अब ये क्या बन गया? सिडबी के हमारे नए CMD बन गए, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए सिडबी के। ठीक है, देखो एस से सिडबी, तो जो नाम है इनका वो भी चेयरमैन का एस से है, एस रमनन। ठीक है, अभी हमारे एनवी रमनन भी कुछ बने हैं। एनवी रमनन अभी हमारे क्या बने हैं? हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अभी हमने पिछले पॉइंट के अंदर ये डिस्कस भी किया है, तो दोनों नामों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, वो एनवी रमनन है और ये एस रमनन है, एस फॉर सिडबी। ठीक है, चलिए आज हमने क्या किया है, 8th और 9th अप्रैल की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी अपडेट्स मिल जाएं, और साथ ही साथ आपको इसकी PDF वहां पे मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।